ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है आईफोन 15 प्रो के ऊपर, जहाँ पर मैं आपसे बताने वाला हूँ, इसे यूज़ करते हुए मुझे 4 मंथ्स हो चुके हैं। एक्यूरेट बताऊँ तो 4 मंथ्स 18 डेज और 139 डेज़ हो चुके हैं, जहाँ पर आपसे मैं आज इसकी बैटरी हेल्थ के बारे में बताने वाला हूँ कि इसकी बैटरी हेल्थ अब कितनी हो चुकी है। करेंटली मैं अभी आपको दिखा दूँ, iOS 17.3.1 में अपडेटेड है फ़ोन, और iOS 17.4 का भी अपडेट आ चुका है, पर करेंटली मैंने इसे अपडेट नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं iOS 17.3.1 में अपडेटेड है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैटरी हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी हेल्थ 98% है, और चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने हमेशा इसे ऑप्टिमाइज चार्जिंग में ही यूज़ किया है। 98% यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी हेल्थ आफ्टर 4 मंथ्स 18 डेज़, और वी विल से 139 डेज़। यहाँ पर अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज स्क्रीन टाइम दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 आवर्स की स्क्रीन एक्टिव टाइम देखने को मिल सकती है। अगर मैं आपको लास्ट 10 डेज़ का दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज स्क्रीन टाइम अराउंड वही 7 आवर्स मैं यूज़ करता हूँ, जहाँ पर अब इसकी बैटरी हेल्थ हो चुकी है 98%। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बताऊँ चार्जिंग रूटीन के बारे में, तो मेरा ऐसा कोई नहीं कि 80% में चार्ज करना, बट मैं मोस्टली 15% होने से पहले पहले ही चार्ज में लगा देता हूँ डिवाइस को। कुछ दिन से ये नया जो है मैं प्रैक्टिस कर रहा था, कुछ दिन से मैंने ये वाला रूटीन ट्राई किया, बट इससे कोई खास अंतर मुझे देखने को नहीं मिला। और चार्ज में अप टू 80% के बाद जितना भी हो जाए उतना कर लेता हूँ, हमेशा 100% नहीं होता है, मोस्टली केस में होता है, बाकी 96-97 आते आते मैं इसे अनप्लग कर देता हूँ। तो ये थी शॉर्ट वीडियो आईफोन 15 प्रो के रिलेटेड बैटरी हेल्थ के बारे में। आप चैनल में जाकर आईफोन 15 प्रो के रिलेटेड और भी वीडियोज़ देख सकते हैं, इनफैक्ट आप एप्पल वॉच सीरीज 9 के रिलेटेड भी वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो बस यहीं तक थी, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल भी जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।